बत्तियां जला दो। पत्तियां? सुखराम तुम भूल गए कि आज ही कितनी सवेली में अंधकार छा गया था। मुझे याद है साहब, लेकिन लेकिन क्या बीती बातों को भूल जाने के लिए बताइए, आखिर आप कब तक? जब तक ये सांसें आज इस हवेली में एक भी बत्ती नहीं जलेगी, समझे? सर ये वही दोनों ड्राइवर है, सोनपुर गांव में जो एक्सीडेंट हुआ था ना, ऐसी भी साहब कह रहे थे कि हमारे इलाके का ही केस है, इसलिए चार्जशीट भी यहीं बनाएंगे। इन दोनों को इंस्पेक्टर केशव के पास ले जाओ। लेकिन सर अगर आप खुद देख लेते तो? कहा ना इंस्पेक्टर केशव के पास ले जाओ। सॉरी सर, माफ करना सर, मैं तो भूल ही गया कि आज 12 दिसंबर है, आज के दिन आप। ठीक है ले जाओ इंदौर का। ओके सर। और सुनो, मेरे लिए कोई फोन आए या मुझसे कोई मिलने आए तो मेरा भी यहाँ पर पहुंचे। अपना सपना देख रही थी क्या? मुझे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। एक तो गर्मी इतनी लग रही है, पंखा चला, यहाँ तो ठंड के मारे हालत बुरी हो रही है, और तू कहती है कि पंखा चला। तो वाकई पसीने से भीग रही है, क्या हुआ तुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा और से कितनी बदबू आ रही है, तुझे याद नहीं? नहीं। तो नींद क्या बड़बड़ा रही थी? आप तो किसी पुरुषोत्तम का नाम ले रही थी। पुरुषोत्तम का? मैं तो किसी पुरुषोत्तम को नहीं जानती। मैं समझ गई, पता ना ये पुरुषोत्तम कौन है, बोल ना। तेरे फियांसी का नाम तो अजय है, पुरुषोत्तम का क्या चक्कर है री, बोल ना। करने का टाइम नहीं है, मैं किसी पुरुषोत्तम को नहीं जानती, और मैं तेरा नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा तेरा यकीन कर लेती हूँ। ओके अच्छा, उठ ही गए हैं तो फटाफट जाकर बात ले ले, पहले तू ले फिर मैं लेती हूँ। पानी से नहाकर बाहर निकलो तो ठंड कुछ ज्यादा ही लगती है। तो हमेशा साइड की मांग निकालती है, आज ये बीच की मांग क्यों निकाली है? तो क्या हुआ? क्या हुआ? मांग में सिंदूर क्यों लगा रही है? सिंदूर तो सिर्फ शादीशुदा औरतें लगाती हैं। मेरा बस मन कर रहा था तो। और ये कपड़े कैसे पहन रखे? सलवार सूट ही तो है, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं लेकिन तुझे तो मैंने कभी सलवार कमीज या चूड़ीदार कुर्ते में नहीं देखा, तू तो हमेशा जीन्स शर्ट्स और टी शर्ट्स पहनती है, फिर आज ये? पता नहीं। हर बात पे पता नहीं, अब तुझे हुआ क्या है? रात से तुझे कुछ हुआ है, अब बदली बदली सी लग रही है। बदली बदली सी कैसे पागल जैसी बातें कर रही है? चल जल्द से तैयार हो जाए, अंकल अभी नाश्ते पे वेट कर रहे होंगे। कहते
गुड मॉर्निंग। ये क्या, ये सलवार कमीज और ये बिंदी? वो अंकल ऐसे। बैठो बेटा बैठो। आज का दिन बड़ा खास है, शाम को जल्दी घर लौटा। क्या है, क्या ऑमलेट है? और क्या ऑमलेट यानी अंडा? जी हाँ। मैं सुजा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। शंकर क्या हुआ तुम्हें? शंकर को कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो तुझे हुआ है। व्हाट्स द मैटर विद यू रेखा? अरे तू कब से वेजिटेरियन बन गई? सुजाता इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, ओके? लेकिन बेटा नाश्ते में तो तुम्हें अंडा ही पसंद है। वही तो अंकल, अंडे और मैं, I hate eggs. मैं तो कभी अंडे खाती नहीं। ये समझ आ गया, ये मजाक कर रही है। अब देख मजाक छोड़ और ऑमलेट खा। आप लोग क्यों मेरे साथ मजाक करने पे तुले हो? क्यों मुझे जबरदस्ती ऑमलेट खिला रहे हो जबकि यू नो मैं आई एम प्योर वेजिटेरियन? देखा, ये क्या बदतमीजी है? कोई बात नहीं, कुछ और ले लो, प्लेन टोस्ट या दूध। अरे रेखा, श्याम के बर्थडे पार्टी के बारे में सोच रही हो क्या? अरे नहीं विशाल, ये जो मेलो सोप का एड कैंपेन है ना, उसके लिए लेआउट बनाना है और क्लाइंट बॉस के ऑफिस में बैठे हैं। हाँ उसीलिए तो मैं आया हूँ, बॉस पूछ रहे हैं लेआउट कंप्लीट हुआ या नहीं। हाँ बस उनसे कहना 5 मिनट्स, हाँ मैं अभी कंप्लीट कर देती हूँ। ओके। रेखा हमारी एजेंसी के वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट और विजुलाइजर है, 3-3 अवार्ड जीते हैं उसने। मैं कम इन सर। रेखा आओ। मिस्टर दत्ता ये है रेखा, मैंने आपका काम इन्हीं को सौंपा है और देखिएगा इनकी डिजाइन दुनिया देखती रह जाएगी। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा मिस्टर दत्ता, आप चाहें तो खुद देख लीजिए। क्या मजाक है, ये क्या है रेखा? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? सर, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है सर, कि ये मेरा पैड ही नहीं है। ये तुम्हारा ही पैड है और ये सोप कैंपेन की ड्राइंग नहीं है, बल्कि पुरानी हवेली बनी हुई है और नीचे आर्टिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, शायद अनामिका। सर, सर, मैं तो किसी अनामिका को नहीं जानती सर। यही तो सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे टू रेखा। अच्छा तुम तो नासिक में थे और अब मैं मुंबई में हूँ, अपनी रेखा का बर्थडे सेलिब्रेट करने। थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच। तुम्हें 24वीं सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। अभी केक काटो। सबसे पहले सारी 24 मोमबत्तियां तुम्हें बुझानी होगी। कोशिश करूंगी। देखा, हालांकि डायबिटिक हो तो तुम्हारा बर्थडे है, एक पीस जरूर खाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो कितना खुश होते। अंकल मगर आपने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, अब तो आप और सुजाता ही मेरे रिश्तेदार हैं। और बहुत जल्द मैं भी रिश्तेदारों में शामिल होने वाला हूँ। आओ
केक काटो और याद रखो एक ही फूंक में सारी मोमबत्तियां बुझनी चाहिए। करे, एक ही फूंक में। चलो चलो आओ। तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए एक हफ्ता ऑफिस नहीं आ सकी। अब ठीक है, शायद मंडे से ऑफिस आ सके। तुम उसके बॉस को कह देना। ओके? अच्छा, सी यू देन। ओके, बाय। अरे रेखा तू? एक हफ्ता आराम करके तबीयत काफी संभल गई है। जी हाँ, लेकिन अभी भी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए इतना चलो फिरो मत। अरे तुम लोग तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो। हाँ अजय, तुम टूर पे नहीं गए? देखो तुम्हें इस तरह छोड़कर मैं कैसे जा सकता था, बल्कि मैं तो प्रकाश अंकल से कह ही रहा था कि हमारी शादी करा ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। शादी? अरे पहले तुम्हारी प्रमोशन तो हो जाए। वैसे मुझे तो लगता है कि मुझे बहुत जल्दी काम शुरू करना पड़ेगा। वो क्यों? वरना अपनी शादी के पैसे जुगाड़ करते करते हम पे तो बुढ़ापा आ जाएगा। अभी शादी हो जाए तो टूर पर तुम भी मेरे साथ रहोगी और मैं अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल कर सकूंगा। से यकीन है ये केस फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। रेखा, जब आपका दौरे पड़ते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत डर सा लगने लगता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय एक लाल रंग के। मेरा सारा बदन आग की तरह चलने लगता डॉक्टर, और सारे कमरे में एक अजीब तरह की केरोसिन की बदबू आती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब भी इसे दौरा पड़ा है आसपास कहीं केरोसिन नहीं था। और आपका ख्याल है कि आग देखते ही इन्हें ऐसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं? जी हाँ, पहली बार मोमबत्ती से और दूसरी बार सिगरेट लाइटर की आग देखते। अब रेखा तुम बताओ, क्या कभी तुम आग में फंसे? मेरा मतलब है कभी घर में आग लग गई हो? नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी कोई हादसा हुआ हो जिससे आग का डर तुम्हारे दिल में बैठ गया? लेकिन डॉक्टर साहब, इसे एक साल की उम्र से मैंने पाला, मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कोई हादसा हमारे घर में हुआ। इलाज के लिए इनके डर की असली वजह को जानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर आप वजह जानेंगे कैसे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है डॉक्टर। एक तरीका है, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस? हाँ, हिप्नोसिस ही एक आखिरी तरीका है। रेखा तुम सो रही हो, रेखा तुम गहरी नींद में सो रही हो। तरह से मेरे काबू में है। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मैं इसके बचपन में जाऊं
ऑफिस के जन तक नहीं पहुंच जाते। जन और एक साल के दरमियान अगर इसके जीवन में कोई अजीब हादसा हुआ होगा तो ये डर जाएगी। वो दिन याद आते ही ये इस मोमबत्ती की लौ को देखकर डर जाएगी और उस वक्त हम ये जान सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा। रेखा, ध्यान से सुनो रेखा, हम तुम्हारे बचपन के बारे में जानना चाहते हैं, जब तुम एक साल की थी। याद करने की कोशिश करो रेखा, उस समय को जब तुम एक साल की थी। एक साल, कितने साल की? एक साल की। रेखा, रेखा तुम्हें तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? रेखा, अच्छा लग रहा है। रेखा, अब तुम 11 महीने की, अब 10 महीने की। रेखा, कुछ याद आ रहा है? रेखा, रेखा अब तुम 9 महीने की हो। रेखा, 8 महीने की। रेखा, रेखा तुम 7 महीने की हो, कुछ याद आ रहा है? रेखा, क्या हुआ? रेखा, क्या हुआ मुझे बताओ। मेरे डैडी मर गए। रिलैक्स रेखा, रिलैक्स। हम और अतीत में चलते हैं, और अतीत में। रेखा, अब तुम 6 महीने की हो और तुम्हारा डैडी जिंदा है। हाँ रेखा, हाँ रेखा, रेखा अब तुम 5 महीने की हो, अब तुम 4 महीने की, 3 महीने की। रेखा, रेखा, रेखा अब तुम 2 महीने की हो। रेखा, 1 महीने की। रेखा, रेखा तुम अब 1 महीने की हो, कुछ याद आ रहा है? रेखा, रेखा कुछ याद आ रहा है तुम्हें? अब तुम 5 दिन की हो, 4 दिन की, 3 दिन की हो। रेखा, तुम 2 दिन की हो, 1 दिन की। तुम अभी अभी पैदा हुई हो, अभी अभी। रेखा, मैं रेखा नहीं हूं, मैं अनामिका हूं। अनामिका? मैं? तुम रेखा हो, तुम अभी अभी पैदा हुई हो। मैं ही तुम्हें तुम्हारे अतीत में लेकर गया था रेखा। मैं अनामिका हूं और ये मेरे मरने की घड़ी है। अनामिका, तुम कितने बरस की हो? मैं 27 साल की हूँ। इस वक्त तुम कहाँ हो अनामिका? मैं हरिपुर में हूँ, हवेली में, किचन के अंदर। और कौन कौन है वहाँ पर? तुम क्या देख रही हो अनामिका? मैं वहाँ खाना बना रही हूँ। पुरुषोत्तम जी पास के कमरे में है। अब किचन का दरवाजा खुला, वो अंदर आ रहा है। वो कौन? सब धुंधला है। उसके हाथ में कैप्सूल का कैन है। वो मेरे ऊपर कैप्सूल डालने वाला है। पुरुषोत्तम जी मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। ये तो पुनर्जन्म का मामला है। मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ अंकल, किसी गांव से आई हुई गवार नहीं हूँ। मैं कैसे विश्वास कर लूँ इन सब बातों पे? कैसे विश्वास कर लूँ? तुम मॉडर्न हो? अगर तुम मॉडर्न हो तो ये सब क्या है? जीन्स छोड़कर सलवार कमीज पहनना, बालों का स्टाइल बदलना, माथे पर बिंदी, क्या है सब? और ये हवेली की ड्राइंग, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं नक्शे में हरिपुर ढूंढ रहा था। चुके हैं मगर अभी तक कोई हरिपुर नहीं आया। मैं तो आपको अभी भी कह रही हूं अंकल, प्लीज वापस लौट चलिए। नहीं, लेकिन अब तक तो हरिपुर आ जाना चाहिए था।
पर अंकल आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे क्यों वहां जबरदस्ती लेके जाना चाहते हैं? मैंने क्या किया अंकल? मुझे सिर्फ कुछ सपने ही तो आते हैं। अरे बेटे जब इतनी दूर आ गए हैं तो हरिपुर जाने में देखो, हरिपुर 3 किलोमीटर। आजकल के लोगों ने इंतजार करना तो सीखा ही नहीं। अरे भाई आ रहा हूं। कहिए। मैं इस हवेली के मालिक से मिलना चाहता हूं। आप कौन हैं? जी मेरा नाम प्रकाश है और मैं देखिए प्रकाश जी पुरुषोत्तम जी किसी से मिलना नहीं चाहते। पुरुषोत्तम जी ये तो वही नाम है जो तुम लिया करती हो। पुरुषोत्तम जी चाहे किसी से मिले या ना मिले मुझसे जरूर मिलेंगे। अच्छा आइए इस तरफ। रास्ता मालूम है मुझे। कमरा? ये कमरा तो अनामिका का है। अनामिका? ये तो वही नाम है जो तुम बोला करते थे। ये कमरा अनामिका का है। मेरा कमरा है ये। कमरा तो साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है। एक ही दिन? किस दिन की बात कर रहे हैं आप? 24 साल पहले का वो मनहूस दिन। उस दिन हमारी बहू अनामिका मरी थी। 24 साल पहले? हाँ 12 दिसंबर 1972। दिसंबर 1972? उस दिन तो तुम्हारा जन्म हुआ था। क्या कौन हो तुम? क्या क्या कहा तुमने? मैं सर्च कर रहा हूँ सर, अनामिका वापस आ गई है। इतने सालों बाद? No, it's not possible. बेटी, जो कुछ तुमने बताया सब सही है। इसका मतलब ये कि अनामिका का पुनर्जन्म हुआ है? ये नहीं हो सकता है। अनामिका का पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। आ,
इंस्पेक्टर रणबीर, आज से 24 साल पहले अनामिका के केस का इंचार्ज मैं था। पुरुषोत्तम जी, आप मुझे प्लीज बताइए, अनामिका की मृत्यु कैसे हुई थी? बेटी, अब मैं ये क्या बताएंगे, मैं तुम्हें बताता हूं। 24 साल पहले का वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं? 12 दिसंबर 1972, पुरुषोत्तम जी कहाँ है? पुरुषोत्तम जी आपको नहीं मिल सकते। देखो सुखराम, पुरुषोत्तम जी को बुलाओ। नहीं नहीं, हट जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना। कौन? इंस्पेक्टर रणवीर। हाँ मैं। तुम इस तरह हवेली में क्यों घुसे चले आ रहे हो? पुरुषोत्तम जी, मुझे रिपोर्ट मिली है कि आधी रात के वक्त यहाँ से किसी औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यहाँ से? तुम्हें किसी ने गलत रिपोर्ट दी है इंस्पेक्टर। आपका बेटा ऋषि कहाँ है? वो तो शहर गया हुआ है। अच्छा, और आपकी बहू अनामिका, वो भी बाहर गई है क्या? हाँ, वो भी इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं खुद जाकर देखता हूँ। नहीं जा सकते। देखो इंस्पेक्टर, इस तरह तुम जबरदस्ती घर में नहीं घुस सकते। आप मुझे रोक कर तो देखिए, आज फैसला हो जाएगा, इस पार या उस पार। देखो, बर्दाश्त की भी हद होती है। उसने कल रात फिर तुम्हें मारा है ना? मारा कि नहीं? अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह प्यार तरसते ही कमरे में घुस रहे हो। तुम तो डरपोक हो, डरपोक। तुम्हारा बेटा इसे जानवरों की तरह मारता है और तुम मुजदिरों की तरह उसे देखते रहते हो। मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा, देखता हूँ आज मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी को अपने साथ ले जाओगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना किधर बबकिया किसी और को देना। तू इसके साथ जाना चाहती है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पति का घर है। तेरा इससे संबंध क्या है? कुछ नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ। सुना तूने? अनामिका तुम इसे मत डरो, सिर्फ एक कंप्लेंट कर दो, मैं इसे जिंदगी भर के लिए जेल में रखा दूंगा। अबे चला जा यहाँ से, नहीं तो जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी को भगाने के जुर्म में गोली मार दूंगा तुझको मैं। निकल यहाँ से। इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल मैं परमिशन लेकर वापस आऊंगा और अनामिका को इस नर्क से छुटकारा दिलाऊंगा। जा जा, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जाइए यहाँ से, मुझे अनामिका से कुछ बातें करनी है। बोला ना आपको, जाइए यहाँ से, जाइए। जा जा, खाना बना मेरे लिए। तू मालिक, मालिक, अनामिका बताओ ये किसने किया है? इससे पहले कि मैं अनामिका का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता, वो मर गई। आसपास के लोगों ने हवेली में से किसी को निकलकर भागते हुए देखा था। उसे चादर सी ओढ़ रखी थी, अंधेरे की वजह से कोई उसे पहचान नहीं सका। क्या ऋषि था? ऋषि ने यह साबित कर दिया कि घटना के वक्त कोई और शहर में था और पुरुषोत्तम जी ने अपने पैसों के बल पर ऋषि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने से रोक ली। नहीं, वो ऋषि नहीं था, वो कोई और था।
इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे के जुर्म पर पर्दा डाल दिया, लेकिन ऊपर वाले का न्याय आखिरी न्याय होता है। घटना के 3 महीने बाद ऋषि का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसकी कार में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। उसके बाद उसका केस बंद हो गया और आज तुम आ गई हो अनामिका। नहीं, मैं अनामिका नहीं हूं, मैं रेखा हूं। तुम रेखा औरों के लिए होगी, लेकिन मेरे लिए अनामिका हो। बेटी बेटी मुझे माफ कर दो कि मैं उस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया था। मुझे 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 माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। पुरुषोत्तम जी, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं रेखा हूँ। तुम अनामिका हो। जिस दिन वो मरी थी उसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे 24वीं सालगिरह पर तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आ गई थी। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। हवेली की वो धुंधली तस्वीर का बार बार नजर आना, मिट्टी के तिल की भू, आग द्वारा पड़ने पर तुम्हारा बदन आग की तरह तप जाना, तुम्हारा वो हवेली का चित्र बनाना, तुम्हारे कपड़े लत्ते, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी बातचीत का ढंग, सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम अनामिका हो। मैं इन सब बातों को नहीं जानती। मैं सिर्फ जानती हूँ कि मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं रेखा हूँ, मैं रेखा हूँ। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम अनामिका हो जिसने रेखा के रूप में जन्म लिया है। आज से तुम मेरे पास रहोगी। इस हवेली को तुम अपना घर समझो। सुखराम, इस हवेली को रोशनी से सजा दो, मिठाइयां बांटो, फटाके छोड़ो, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि हमारे घर में चमत्कार हुआ है, हमारी पिटिया लौट आई है, हमारी अनामिका वापस आई है। सज्जनों, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। बस यूं समझ लीजिए कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अनामिका के आ जाने से मेरी इस वीरान हवेली के कमरे जगमगा उठे हैं। साथियों, इस खुशी के मौके पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूं कि आज से अनामिका इस हवेली की और मेरी सारी जायदाद की मालकिन होगी। इसके साथ ही एक और खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि हमारे अनामिका ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। उसके साथ उसकी सगाई भी पक्की हो चुकी है और वो बहुत जल्द यहां आने वाला है। उसका नाम है अजय। क्या ये सच है? हाँ, अजय बहुत अच्छा लड़का है और अनामिका को बहुत चाहता है। जरा अच्छी फोटो निकालना, इस केस को मैं बड़े बड़े अक्षरों में छापूंगा। बहुत सुना था लेकिन पहली बार पुनर्जन्म देख रहा हूँ। पुरुषोत्तम जी, अनामिका के आने से हवेली में क्या फर्क पड़ा है? क्यों, आपको ये रौनक नजर नहीं आ रही? इस हवेली में खुशी का माहौल नहीं देख रहे हैं और मेरे चेहरे पर आपको खुशी नजर नहीं आ रही? ये कोई पत्रकार है? जी नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव। मैंने इन्हें कहीं देखा है? जरूर देखा होगा, काम के सिलसिले में इन्हें सब जगह घूमना पड़ता है। यहाँ भी आए हूँ। क्या ये फोटो मैं ले सकता हूँ? आप इस फोटो का क्या करेंगे? ऐसे ही लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। गाड़ी तैयार है ना? जी मालिक। और मिठाई और फूलों के हार सब
सब कुछ तैयार है। देखो जावे बाबू पहली बार हमारे आ रहे हैं तो उनका स्वागत अच्छी तरह होना चाहिए ना, इसलिए हम खुद उन्हें लेने जा रहे हैं। जी। चलो। अच्छा बेटी हम आते हैं, तुम जरा अपना ख्याल रखना, चाहो तो ये सब दरवाजे वगैरह सब बंद कर लेना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें पुरुषोत्तम जी, ये हवेली ये मेरे लिए नई नई है, मैं यहाँ की हर चीज से वाकिफ हूँ, आप पे धड़क होके चाहिए। ठीक। क्या हुआ? सुखराम, मैं हवेली में कुछ भूल आया हूं, तुम लोग आगे चलो मैं आता हूं। ठीक। ये तो वही जगह है जहां अनामिका की मौत हुई थी। इधर तो कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही डर गई होंगी। मुझे तो सब कुछ याद है ना। कौन है तुम? कौन है तुम? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं कह रही तुम्हें। याद नहीं तो सिर्फ उस आदमी का चेहरा जो उस दिन यहाँ आया था। तुम कौन हो? मेरे पास मत आना। मुझे नहीं पहचाना? याद करो, कुछ याद आया? वो ऋषि नहीं था जिसने तुम्हें जलाया था? तो मैं था, मैं। वो ऋषि या पक्षे तो नहीं था, मैं था, मैं। तुम? हाँ वो मैं था, मैं तुम्हें तब भी प्यार करता था। उस दिन तुमने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया था ना, अपने पति की बाहों में रहना चाहती थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें चला डाला था। ये गलत है, ये गलत है। तुम दूसरी बार जन्म लेकर लौटे तो भी मेरी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम अजय से प्यार करती हो। अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें अब भी जला डालूंगा। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप गलती कर रहे हैं, प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं सचमुच अनामिका नहीं हूँ, मैं रेखा हूँ। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब अजय और मेरी चाल है, ये सब हम दोनों मिलकर चाल चली थी। नहीं, तुम मेरे साथ चाल चल रही हो। अच्छा एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, पिछली बार जब वो इस गाँव में आया था तो उसने अनामिका और इस हवेली के बारे में सुना था, और कोई सी अनामिका की मौत हुई थी उसी दिन मेरा जन्मदिन है, तो हमने सोचा शायद इस तरह हम पुरुषोत्तम जी की सारी दौलत हथिया सकते हैं। ये सारी जानकारी अजय ने यहाँ के गांव वालों से ली थी, और बाकी की जानकारियाँ उसने लाइब्रेरी के बड़े पुराने न्यूज़पेपर से ली थी। उससे हमें पता चला कि अनामिका क्या करती है, कैसे कपड़े पहनती है, उसके हाव भाव क्या है, और बस मैं अनामिका बन के यहाँ पहुँच गई। मुझे तो तुम पर पहले से ही कुछ कुछ शक हो गया था, लेकिन उस दिन पार्टी में सुखराम ने जब अजय की फोटो देखकर उसे प्रेस वाला समझा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। जानकारी के लिए मैं लाइब्रेरी में गया तो वहां से पता चला कि अजय आज से एक साल पहले अनामिका के बारे में लोगों से पूछताछ करता था। जब तुमने बताया कि ये एक धोखेबाज है
तो एकाएक मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब तो सब खुलकर सामने आ गया। लेकिन सच ये है कि अनामिका को मेरे बेटे ने ही मारा। मेरा क्या होगा? होगा क्या? तुम और अजय जेल जाओगे फ्रॉड के केस में। पुरुषोत्तम जी, आपको भी एक जुर्म छिपाने की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। रिलैक्स, ये वो आदमी नहीं है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, यही आदमी डिमेलो है, यही मेरे पति को बॉम्बे ले गया था, इसे पकड़ लीजिए। स्वाति, प्लीज। ये वो आदमी नहीं है, ये डिमेलो नहीं है, ये मिस्टर संदेश है, यहाँ के लोकल बिजनेसमैन है, तुम इसे पहचानने में गलती कर रही हो। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, यही डिमेलो है। बता, बता मेरे पति को कहाँ गायब कर दिया? स्वाति, बता मेरा पति कहाँ है? स्वाति, स्वाति रिलैक्स, स्वाति, स्वाति, मैच, मैच, स्वाति, स्वाति, ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ। विश्वास करो मेरा। I'm sorry about that. That's okay. बड़ी अजीब सी औरत है। ये है कौन? ये मेरी पेशेंट। पिछले हफ्ते इलाज के लिए बंबई से मेरे पास आई। इनके हस्बैंड पिछले 7 महीने से लापता हैं और उसी सदमे से ये कुछ पागल सी हो गई। और ये डिमेलो का क्या चक्कर? दरअसल इनके पति को डिमेलो नाम का आदमी अपने साथ ले गया। उसके बाद ना तो इनके पति का पता है ना ही डिमेलो का। ये हर आदमी को डिमेलो समझती है। ओह आई सी। मैडम, आपके ख्याल में ये वही आदमी है जिसने आपके पति हरि का अपहरण किया है? हाँ इंस्पेक्टर, ये आदमी संदेश नहीं, डिमेलो है। दाढ़ी मूछ लगाकर वो दुनिया को धोखा दे सकता है, पर मुझे नहीं। 7 महीने हो गए, पर आज भी उसकी शक्ल मेरे दिमाग में एकदम साफ है। सर, सर एक मिनट प्लीज। बोलो परेश। सर आपका ट्रांसफर तो अभी अभी यहाँ पे हुआ, लेकिन इस औरत को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। पर ये आधी पागल है, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं आप इसमें? वो तो ठीक है, लेकिन हमें इसकी शिकायत का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। सर मैंने कहा ना कि ये पागल है। आज से 7 महीने पहले इसका पति लापता हो गया। लापता हो गया और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कोई तहकीकात नहीं की तुम लोगों ने? ऐसा नहीं, हमने तहकीकात की थी सर। दरअसल क्या, इसका पति फ्रीलांस टाइपिस्ट था, जो भी काम मिलता था कर लेता था, लेकिन जहां थोड़ा पैसा हाथ में आया वहीं दारू पीने के लिए बैठ जाता था। सर और तो और इसका पति कई दिनों तक घर भी वापस नहीं लौटता था। नहीं, ये सब झूठ है। ये घर से बाहर कभी नहीं रहे। ये पहली बार हुआ है कि 7 महीने हो गए और वो घर नहीं आए। और आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते कि डिमेलो ने ही उनको कहीं गायब कर दिया है? कौन है ये डिमेलो? पता नहीं सर, 7 महीने से यही रट्टा लगा रही है, डिमेलो डिमेलो डिमेलो। मगर ये डिमेलो कौन है, कहाँ रहता है, हमें तो नहीं मिला सर। मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, डिमेलो एक बहुत अमीर आदमी है। वो अक्सर मेरे पति को अपनी कार में बिठा कर ले जाया करता था। अगर अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे पति के दोस्तों से पूछ लीजिए,
वो आपको बार में मिल जाएंगे। पता नहीं साहब, जब से उसको वो कार वाला आदमी मिला है ना, क्या नाम उसका, डिमेलो, तब से वो हम लोग को भूल गया साहब। कौन है ये डिमेलो साहब? पता नहीं साहब, हरी पहले हम लोग को रोज मिला करता था, फिर अचानक गायब हो गया। 15-20 दिन में एक आध बार मिलने लगा और कहता था अब मैं ये देसी दारू नहीं पीता, अब तो डिमेलो साहब मेरे को विलायती पिलाते हैं। हरी ने कभी डिमेलो साहब का कोई आता पता बताया था? नहीं साहब, हरी ने कभी कुछ नहीं बताया था। डिमेलो साहब हरी को मिलने यहाँ आए होंगे? वो इतने अमीर आदमी, वो भला यहाँ पर क्यों आते देसी दारू के अड्डे में? तो फिर वो हरी को कॉन्टेक्ट कैसे करते थे? वो अपना जगन है ना, तो जगन के पास मैसेज छोड़ देते थे। जगन? कौन है ये जगन? जगन उसका टेलीफोन बूथ है, हम सबके मैसेज उसके पास ही आते हैं। हमारे जो भी मैसेज आता है वो नोट कर लेता है और बाद में हम लोग को दे देता है साहब। डिमेलो हरी के लिए कैसे मैसेज छोड़ता? रोजाना एक ही मैसेज होता था साहब, हरी से कहना इतने बजे ठीक उसी जगह पे मिले, हरी आता तो मैं उसे मैसेज दे देता। उसी जगह मतलब कौन सी जगह? ये नहीं मालूम साहब। तुम्हारे पास डिमेलो का फोन नंबर है? हरी ने कभी तो उन्हें यहाँ से फोन किया होगा। एक बार हरी को कुछ काम था और उसने यहाँ से फोन करके डिमेलो साहब से मिलना कैंसिल किया था। ये कब की बात है? शायद उसी महीने की जिस महीने से वो लापता हुआ है। तुम्हारे पास फोन कॉल के रिकॉर्ड्स तो होंगे ना? हाँ साहब। सर प्लीज अंदर जाके चेक करो। देखता हूँ। मिल गया सब। 9-8-2-9-8-2-3-3-3-8-4-8-4। हेलो, हाँ जी, मैं डिमेलो साहब से बात कर सकता हूँ? विक्टर डिमेलो यहाँ नहीं है। क्यों? ये घर उसका नहीं है? ये घर उसका है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब कि आप उसे मिल नहीं सकते अब। क्यों? वो कहीं बाहर गया है, कहीं पूना तो नहीं गया वो? नहीं इंस्पेक्टर, पूना नहीं, वो ग्रेवयार्ड में है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में? हाँ कब्रिस्तान, जब से वो मरा है ना वो वही है। मरा? नहीं, ये सब झूठ है। 2 दिन पहले उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है वो... और मैंने अपनी आंखों से उन्हें कब्र में दफन होते हुए देखा है, वो मेरे हस्बैंड थे। I'm sorry, Mrs. DeMille. लेकिन उनकी मौत कब हुई? 7 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में, 29 सितंबर को। 29 सितंबर? उसी दिन से तो मेरे पति लापता है। आप कहना क्या चाहती हैं? मिसेस डिमेलो, क्या मैं आपके पति की तस्वीर देख सकती हूँ? ये है मेरे पति। ये तो वही है जिसे मैंने पूना में देखा है। ये वही है। हाँ ये वही है। बेवकूफ औरत, क्या बक रही है तुम? मेरा दामाद पूना में नहीं, 6 फुट गहरे कब्र में है। नहीं, वो नहीं मरा, जिंदा है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। बस फर्क सिर्फ इतना कि उसने अपना हुलिया बदल लिया है। तुम्हारा कहने का मतलब है मेरा दिल कैसे है? कंट्रोल योर टेंपर। छोड़ो मुझे। इन्हीं दो हाथों से मैंने उसकी लाश को कार से बाहर खींचा। मैंने और मेरी बेटी ने उसकी लाश की पहचान की। इन्हीं दो हाथों से 6 फुट गहरे कब्र में उतारा मैंने, और ये कहती है कि वो जिंदा है। पागल औरत, जाओ जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। झूठ है ये सब, इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ है। मान लेते हैं कि वो जिंदा है तो वो पूना में क्या कर रहे हैं? यहाँ उनका इतना बड़ा घर है, बिजनेस है, मैं हूँ, तो वो पूना में क्यों पड़े हुए हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये औरत सचमुच पागल है। Something wrong. कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर आपको हमारी बात का विश्वास नहीं है तो ये आप बात चेतन जोशी से कंफर्म करवा सकते हैं, उन्होंने भी हमारे साथ विक्टर की डेड बॉडी को पहचाना था। ये चेतन जोशी कौन है? देखिए मिस्टर शशिकांत, मैं आपकी पत्नी चारुलता को सिर्फ चेहरे से पहचानता हूँ। वो हमारी कंपनी में काम जरूर करती है लेकिन इस वक्त वो कहाँ है वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसने कहा था कि वो चंद दिनों से आपके यहाँ हेड ऑफिस में काम कर रही है,
और आप कहते हैं कि वो यहां नहीं आती, तो आखिर वो गई कहां? मैं नहीं जानता, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। पिछले एक हफ्ते से वो छुट्टी पर है। क्या? हाँ, हमारे पास उसका रिटन एप्लीकेशन भी है। इन सब बातों से मुझे कुछ नहीं लेना। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि वो यहां काम करती है और पिछले कई दिनों से घर नहीं आई है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? वो यहां काम करती है लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आपको इस मामले में पुलिस की मदद लेनी चाहिए, और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब यहां मौजूद हैं, आप उनसे पूछ करके देखिए। मुझे अपनी मदद के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने का आदी हूं। और हां, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं नहीं जानता हूं कि मामला क्या है, लेकिन आप इन्हें मेरे सामने रखिए। आप जो मर्जी आए समझिए। और हां, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा यहां, समझे? I'm sorry इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। दरअसल मैं इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली गई और उसका गुस्सा ही मुझ पर उतार रहा है। इट्स ओके, मैं समझता हूँ। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, आप विकी के बारे में बात कर रहे थे। उसको मरे हुए तो 7 महीने हो गए हैं। आपको विश्वास है कि वो मर चुका है? 100%। हम दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त भी थे। और फिर मैं उसकी बॉडी को पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? और फिर उसके कपड़े, घड़ी, जूते। आपने उसका चेहरा नहीं पहचाना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक्सीडेंट में उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था, लेकिन सिर्फ मैंने ही तो नहीं बल्कि उसकी बीवी और ससुर ने भी तो उसे पहचाना। सबके सब इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? तो शक की गुंजाइश है। हो सकता है स्वाति ने जिस आदमी को पूना में देखा हो वो शेड्डी मेलो साहब ही हो। सारी दुनिया छोड़ करके पूना ही क्यों? और इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि वो अपने मौत का ड्रामा बना करके पूना में जा बसा? हो सकता है, लेकिन आप खुद ही सोचिए वो ऐसा क्यों करेगा। उसकी सारी फैमिली, बिजनेस, जायदाद, रुपए पैसे यहां पर हैं। ऐसा नहीं कर सकता वो। मैं भी बार बार यही सोच रहा हूं कि अगर विक्टर डिमेलो जिंदा है तो इतनी ऐशो आराम की जिंदगी, रुपए पैसे, करोड़ों की जायदाद और बिजनेस छोड़कर चला कैसे गया? इसमें उसका क्या फायदा हो सकता है? सर, तुम आ गए? सर, मैं इंश्योरेंस कंपनीज में गया था, वहां से इंफॉर्मेशन मिली। उसका इंश्योरेंस था ना? आपका अंदाजा बिल्कुल सही था सर, उसका इंश्योरेंस था। आई न्यू इट, विक्टर डिमेलो, GVS इंश्योरेंस कंपनी। विक्टर डिमेलो का 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, ये एक वजह हो सकती है परेश। और हाँ सर, इंश्योरेंस कंपनी ने 25 लाख रुपए का चेक भी मोना को दे दिया। नहीं सर, ये भी तो हो सकता है कि पैसों के लिए मोना ने अपने पति का एक्सीडेंट करवा दिया हो। आई डाउट इट। मोना जोसेफ की इकलौती वारिस है और जोसेफ कम से कम 500 करोड़ रुपए की आसान है, तो 25 लाख रुपए के लिए मोना अपने पति को क्यों मरवाएगी? इसमें कोई और राज है और हमको इस राज की गहराई तक पहुंचना है, और उसका एक ही रास्ता है। वो क्या सर? हमें कब्र खुदवा कर विक्टर डिमेलो की लाश को बाहर निकालना। कोर्ट की परमिशन है, मैं अपनी तसल्ली के लिए जानना चाहता हूं कि यह आदमी जिस कब्र में दफन है वो आपका दामाद विक्टर डिमेलो है या कोई और है। इंस्पेक्टर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। लेकिन सर, हम पहचाने कैसे कि ये लाश किसकी है? 7 महीने हो चुके हैं, बॉडी तो सड़ गई है। इंश्योरेंस पेपर्स हमारी मदद करेंगे। मैं समझा नहीं सर। इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू करने से पहले हर आदमी का पूरा मेडिकल चेकअप होता है, और उसकी मेडिकल हिस्ट्री में उसके शरीर के दाग और निशान सब लिखे जाते हैं।
I mean to say the identification marks. लेकिन फिर भी सर, उस रिपोर्ट के बुनियाद पर इस लाश को पहचानना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं। कॉलेज के जमाने में विक्टर डिमेलो का एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके सीधे पैर का एंकल बोन टूट गया था और डॉक्टरों को हड्डी की जगह एक मेटल की प्लेट डालनी पड़ी। इसका मतलब है सर, अगर ये लाश विक्टर डिमेलो की है तो उसके पैर में वो लोहे का सपोर्ट जरूर होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो परेश हमको इस केस की गुत्थियों को फिर से सुलझाना पड़ेगा। सर हो गया। तो ठीक है, लेकिन लोहे की प्लेट का क्या हुआ? हाँ, देखिए इंश्योरेंस की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार लोहे की प्लेट ठीक यहां लगाई जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्या मतलब? मतलब साफ है, यह शरीर विक्टर डिमेलो का नहीं है। फिर ये शरीर किसका है? देखिए मैंने म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में जाके पता लगाया था, जहां पर टाइपिस्ट हरी अक्सर अपना इलाज करवाता है। कुछ अर्सा पहले उसने अपने दांतों का इलाज करवाया था और अपने दांतों में ये प्लेट फिट करवाई थी। प्लेट देख रहे हैं? जी। मतलब साफ, ये विक्टर डिमेलो का शरीर नहीं है, बल्कि टाइपिस्ट हरी का शरीर है। और सिर्फ इतना ही नहीं। और क्या डॉक्टर? कार एक्सीडेंट में मरा नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले इसकी मौत हो चुकी है, किसी तेज जहर की वजह से। जहर की वजह से? जी, खास करके आर्सेनिक पॉइजन। आर्सेनिक? जी। डॉक्टर आप इतनी विश्वास से कैसे कह सकते हैं? देखिए आर्सेनिक जहर अपना असर बालों पर जरूर छोड़ता है, और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये बाल हमने इसकी खोपड़ी से लिए हैं, इसमें आर्सेनिक जहर का असर है। इसका मतलब इसमें जिसका भी हाथ है उसने हरी को जहर दे के मारा, फिर उसकी लाश को कार में डाल के उसको एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया है। राइट? एग्जैक्टली। और ये देखिए, मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। मैंने कहा था ना, हरी मुझे खुद से छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जरूर जरूर किसी ने उसे कुछ कर दिया है, और देखो हुआ ना, वही चला गया, वो चला गया। आप फिक्र मत करें, मैं हरी के कातिल को ढूंढ के निकालूंगा। आप प्लीज जाइए। अब एक बात बिल्कुल साफ हो गई, डिमेलो को अपनी मौत साबित करने के लिए एक मुर्दे की जरूरत थी, वो मुर्दा बना कर बेचारा हरी। सर लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं है कि इसमें डिमेलो को क्या फायदा, जबकि इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए तो मोना को मिले। हो सकता है कि डिमेलो और मोना एक दूसरे से मिले हों। अब सच्चाई तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। वो कौन सा? खुद डिमेलो। स्वाति ने कहा था कि उसने पूना में डिमेलो को देखा। सच्चाई जानने के लिए पूना जाना। देखिए आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं वो मुझे अच्छी तरह याद है। स्वाति मेरे पास बॉम्बे के एक साइकेट्रिस्ट के रिकमेंडेशन पर आई थी। यहाँ कर उसकी तबीयत संभल भी गई थी, लेकिन उस दिन तो उस दिन क्या उस दिन मेरे ओपीडी पेशेंट मिस्टर संदेश को देखकर चिल्लाने लगी, कहने लगे ये वही है, ये वही है, ये तो डिमेलो है जो मेरे पति को अपने साथ लेकर गया है। ओ, क्या मिस्टर संदेश आपके रेगुलर पेशेंट है? जी नहीं, ओपीडी आउट पेशेंट। बरसों पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से वो एक पैर से लंगड़ाते हैं। मेरे पास ये जानने के लिए आए थे कि ये लंगड़ाहट ठीक हो सकती है या नहीं। लंगड़ाहट? वो दाहिने पैर से लंगड़ाते हैं ना? हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं? मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, और पर्सनली मिलकर बहुत कुछ जानना भी चाहता हूँ। आपके हॉस्पिटल में उसके रिकॉर्ड्स तो होंगे ना, एड्रेस भी होगा। अरे कजरा वो मिस्टर संदेश की फाइल तो निकालना। अभी देखते हैं। शायद 112 नंबर है। ये। 18 गिरनार
अपार्टमेंट्स। सर ये तो मर गया सर। आखिर में तुम तक पहुंच ही गया मिस्टर डिमेलो उस संदेश, लेकिन अफसोस मेरे पहुंचने से पहले कोई और ही तुम्हारा काम कर चला गया। सॉरी डिमेलो, जीते जी तुम्हें तुमसे मिल नहीं सका। सर सर डॉक्टर का कहना है कि इसकी मौत कल रात 10:30 बजे के आसपास हुई और इसे किसी भारी चीज से मारा गया। ये रहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्डर, इस पर से उंगलियों के निशान अच्छी तरह से साफ। तुम्हें कोई और फिंगरप्रिंट्स मिले? हाँ सर, सर कुछ चीज़ों पर से हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं बट कुछ चीज़ों पर से ऐसा लगता है कि साफ मिटा दिए। समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है खून करने के बाद घबराहट में कुछ चीज़ों पर से निशान मिटाना भूल गए, और वैसे भी ये मर्डर तानी के साथ किया गया नहीं लगता, वरना वो कोई हथियार अपने साथ नहीं लाया होता। सर वैसे तो हमें कोई भी क्लू नहीं मिला, लेकिन ये डिमेलो की डायरी मिली है सर। ये देखिए, ये कल की डेट का अपॉइंटमेंट है। सी से रात को 10:30 बजे मुलाकात। डिमेलो का खून भी इस टाइम के आसपास हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सी डिमेलो से कल रात मिलने आया होगा। उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान सी ने डिमेलो का खून कर दिया। इसका मतलब सी ही डिमेलो का कातिल है। परेश हमें ये बॉडी बॉम्बे ले जानी होगी। जोसेफ और मोना को इत्तला कर दो कि डिमेलो की मौत एक बार फिर हो गई। मिसेस मोना, लगता है आपकी पति की मौत का आपको ज्यादा दुख है। जब मेरे पति पहली बार मरे थे तो मैंने अपने सारे आंसू उन पर बहा दिए थे, अब कुछ बचा ही नहीं है। रोना तो क्या, मैं इसके चेहरे पे थूकना भी नहीं चाहूंगा। इसने हमारे साथ धोखा किया और उसकी सजा मिल गई। हो सकता है कि आप दोनों इसकी मौत के जिम्मेदार हैं। इंस्पेक्टर, मैं खामखा आपसे बहस नहीं करना चाहता। जिस वक्त इसकी मौत हुई थी हम लोग बंबई में थे और इसके सबूत भी हैं हमारे पास। वो तो ठीक है, लेकिन वो 25 लाख रुपए का क्या होगा? 25 लाख? हाँ, वो रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी बेटी को दिए थे। विकी की पहली मौत तो फ्रॉड थी, तो वो पैसे तो आपको लौटाने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर, ये 25 लाख मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं ये पैसे नहीं लौटाऊंगा। क्यों नहीं लौटाएंगे आप? क्योंकि ये पैसे मैंने विक्टर के पार्टनर चेतन को दे दिए। चेतन को? हाँ, मेरे दामाद ने चेतन के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। दोनों ने 30-30 लाख रुपए लगाए, हालांकि वो 30 लाख भी मैंने ही दिए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बिजनेस में घाटा हो गया तो उसने मुझसे 25 लाख रुपए और मांगे, तो मैंने देने से इनकार कर दिया। विक्टर के मरने के बाद जब इंश्योरेंस के मुझे रुपए मिले तो चेतन ने मुझसे 25 लाख रुपए की डिमांड की और वो रुपए मैंने उसे दे दिए। जो 2 हफ्ते पहले पूना में मिस्टर संदेश के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। मिस्टर चेतन, आपने 25 लाख रुपए मिस्टर संदेश को दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। हाँ, अब आया रास्ते। जल्दी जल्दी बताओ, मुझे सच्चाई चाहिए। तुम्हारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था,
फिर तुमने मोना और जोसेफ को झूठ क्यों कहा कि तुम नुकसान में जा रहे हो? चाहता था देखो मिस्टर चेतन, तुम शुरू से जानते थे कि डिमेलो जिंदा है, राइट? लेकिन ये बात तुमने मुझसे छुपाई, इसका मतलब है हरी का खून करने में तुम भी शामिल थे। और इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड करने में भी तुमने डिमेलो का पूरा पूरा हाथ बताया। ये सब गलत है। ये सही है। वो सी जो उस रात डिमेलो से 10:30 बजे मिलने वाला था, वो कौन है? वो सी तुम ही हो, सी चेतन। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको सच सच बताता हूं। हाँ, जल्दी जल्दी। मैं ये कबूल करता हूं कि मैं ही जानता था कि विक्टर डिमेलो जिंदा है। मैं ये भी कबूल करता हूं कि मैंने उसकी मौत का ड्रामा खेलने में उसकी मदद की, लेकिन मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि मैं जबरदस्ती मुसीबत मोल ले रहा हूं। चक्कर क्या है, साफ साफ बता दो। मैं अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था, लेकिन वो अपने ससुर जोसेफ से बहुत डरता था। फिर उसने सोचा कि अपनी मौत का ड्रामा खेला जाए और खुद से मदद मांगी। और तुमने हरी का फोन करके उसकी मदद की? नहीं, हरी के बारे में तो मुझे आपसे पता चला है, वरना मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। डिमेलो ने तो मुझसे कहा था कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो हॉस्पिटल में चीर फाड़ के लिए मुर्दे सप्लाई करता है, और उसी आदमी ने उसके लिए एक ऐसा मुर्दा शरीर ढूंढ लिया था जिसकी बनावट बिल्कुल उसके शरीर के जैसी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ड्रामे में तुम्हारा रोल ये था कि तुम उस शरीर को डिमेलो का शरीर साबित करो, राइट? फिर मैं उसे पूना ले गया, जहां मैंने उसकी पहचान सबसे संदेश के नाम से करवा दी, उसके नकली पेपर बनवाए और राशन कार्ड बनवा दिया। और इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए मोना से लेकर तुमने उसी को दे दिए? हाँ, उसने मोना से पहले कह दिया था कि उसने मुझे 25 लाख रुपए देने हैं। जब इंश्योरेंस के पैसे मिले तो मैंने मोना से मांगे, उसने मुझे दिए और मैंने डिमेलो को दे दिए। सच सच बता दो कि ये सी कौन है जो उस रात 10:30 बजे डिमेलो को मिलने वाला था। मुझे नहीं पता। सीधी तरह बता दो वरना। बताता हूँ, वो एक लड़की है जो हमारे पूना वाले ब्रांच में काम करती है, उसका नाम है चारुलता। सिर्फ चेहरे से पहचान है। वो हमारी कंपनी में काम जरूर करती है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है वो मैं नहीं जानता। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो उस दिन जो आदमी तुमको ऑफिस में धमका रहा था, वो चारुलता का पति था? हाँ, उसका नाम शशिकांत है। चारुलता और डिमेलो एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे, लेकिन दोनों की मजबूरी यह थी कि वो दोनों शादीशुदा थे। जोसेफ और शशिकांत के डर से दोनों ने भागने का फैसला किया, और इसीलिए डिमेलो को 25 लाख रुपयों की जरूरत थी। मीट सी एट 10:30। इसका मतलब यह हुआ कि डिमेलो उस रात चारुलता को मिलने वाला था। हाँ, लेकिन शायद शशिकांत वहां से पहले पहुंच गया और उसने उस समय आकर डिमेलो का खून कर दिया। चारुलता का पूना वाला एड्रेस मरकज है? हाँ, शायद शशिकांत। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका इंतजार था। इसका मतलब आप अपने जुर्म कबूल करते हैं? जी हाँ, मैंने ही उस कमीने को मारा है। उसने मेरे चारों को मुझसे छीन लिया,
मैंने उसे खत्म कर दिया। जब से चारू ने मुझे धोखा दिया है मेरे जीने की तमन्ना नहीं रही। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं शराब बहुत पीता हूं और गुस्से का बहुत तेज आदमी हूं। जब मुझे चारू की बेवफाई का पता चला तो मेरा खून खौल उठा। आपको पता कैसे चला? चारू करीब एक हफ्ते से घर से गायब थी। मैं उसकी तलाश में परेशान था। कल रात 8 बजे एक औरत का फोन आया। हेलो, क्या आप अपने बीवी का पता मालूम करना पसंद करेंगे? हाँ, कौन हो तुम? मेरा छोड़िए, आपके बीवी का नाम चारू लता है ना? हाँ, वो ठीक तो है? हाँ, ऐश कर रही है, किसी मर्द के साथ भागने वाली है। क्या पकड़ी हो? उस आदमी का नाम संदेश है। दोनों कल सुबह बैंगलोर जा रहे हैं। एलबी रोड पर स्वस्तिक ट्रैवल्स में आप चेक कर सकते हैं। मुझको और भी बहुत कुछ पता है। आज रात 10:30 बजे गिरनार अपार्टमेंट्स में संदेश से मिलने वाली है। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाकर चेक कर लीजिए। नहीं बता सकता। क्या चाहिए तुम्हें? तुझे तो किसी और का इंतजार था ना? चारुलता कहाँ है? चारुलता? हाँ, चारुलता। कौन चारुलता? कौन चारुलता? मैं किसी चारुलता को नहीं जानता। चारुलता को नहीं जानता? देखो, देखो। हरामजादे, तू क्या समझता था कि तू मेरी बीवी को बैंगलोर भगाकर ले जाएगा? और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूंगा? ये क्या कर रहे हैं आप? देखो देखो, दूर रहो। आप क्या कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो, तेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं समझाता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। और इस तरह से मैंने उसका खून कर दिया। फिर तुमने क्या किया? उसे मुर्दा देखकर मैं घबरा गया। मैं नशे में था इसलिए उंगलियों के निशान पूरी तरह से साफ नहीं कर सका। और चारुलता का क्या हुआ? जब वो वहां आई तो तुमने उसका भी खून कर दिया? नहीं, कुछ देर मैंने उसका इंतजार किया। जब वो नहीं आई तो मैं भागकर यहां आ गया और पुलिस का इंतजार करने लगा। इसका मतलब तुम्हें यह पता नहीं कि चारुलता कहां है? काश मुझे पता होता, लेकिन मुझे आज तक यह पता नहीं चला कि वो औरत कौन थी जिसने मुझे फोन किया था। क्या आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? जी हाँ, आप ही वो औरत हैं जिसने शशिकांत को फोन किया और चारुलता और डिमेलो के बारे में सब कुछ बताया। What nonsense! किसी तरह से आपको पता चल गया था कि डिमेलो और चारुलता पूना में रात को 10:30 बजे मिलने वाले हैं। आपको तो बदला लेना ही था, इसलिए आपने शशिकांत को फोन कर दिया। मैंने कोई फोन वोन नहीं किया। पूना मेम साहब, जब भी आप कोई गुमनाम फोन करें ना, तो जरा सोच ले कि आप अकलाती हैं। मैं टेलीफोन कंपनी से आपके घर से की हुई सारी फोन की लिस्ट ले, और अगर कोई एसटीडी कॉल शशिकांत को पूना में किया गया हो ना, तो मोना मेम साहब आपकी तो छुट्टी। मतलब कैसे? डिमेलो ने तुम्हें डेड बॉडी के बारे में झूठ बोला था। एक्चुअली उसने हरी को धोखे से मार डाला था, क्योंकि हरी उसके डील डॉल का था। फिर उसने हरी के चेहरे को तेजाब से जलाकर
अपनी छोटी मौत साबित कर दी। फिर वो संदेश मांगकर क्यों ना चला गया? इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए लेकर जो कि मैंने उसे दिए, चारुलता के साथ वो एक नई जिंदगी बिताने के लिए एकदम तैयार था। लेकिन अचानक वहां शशिकांत पहुंच गया और उसने डिमेलो का खून कर दिया। लेकिन शशिकांत को कैसे मालूम हुआ? बस यही एक गलती मुझसे हो गई। मैंने मोना को बता दिया था कि डिमेलो पूना में छुपा हुआ है संदेश भरकर। बस वो समझ गई कि वो चारुलता के साथ भागा है। मगर कैसे? उसके डैडी के कनेक्शन हर तरफ है और मोना भी एक चालाक औरत है। उसी ने शशिकांत को फोन किया था। शशिकांत को तो डिमेलो के खून की सजा मिलेगी, लेकिन मैं मोना को उसके जुर्म की सजा दिलवा कर आऊंगा। एक बात और है, चारुलता ने भी तो खून होते हुए देखा होगा, क्योंकि वो भी वहां 10:30 बजे पहुंची होगी। आखिर वो गई तो गई कहां? बस एक बार वो मिल जाए तो ये केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हम अपने प्लान में कामयाब हो गए चारुलता। कहीं पुलिस को शक तो नहीं हो गया किसी का मतलब तुम हो? नहीं, पुलिस तो यही सोच रही है कि तुम और डिमेलो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों भागने की तैयारी कर रहे थे और शशिकांत को पता चल गया और इसलिए उसने उसका खून कर दिया। और मेरे बारे में पुलिस की क्या राय है? वो लोग यही समझ रहे हैं डर के मारे छुपी पड़ी हो। लेकिन जब मैं लोगों के सामने आऊंगी तो इतने दिन कहां गायब रही, इसके लिए क्या बहाना बनाऊंगी? अरे बाबा कोई भी बहाना बना देना कि। तो ठीक है, मैं लोगों से कह दूंगी कि तुमने मुझे यहाँ छुपा रखा था और यहीं से सारा प्लान बनाया था। तुम्हें ठीक लगता है तो बेशक बोल देना। मैं मजाक कर रही थी, हमें शादी के लिए अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अब तुम्हें बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही शादी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम डिमेलो से बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुमने आत्महत्या कर ली। मैं समझी नहीं। हरी को मैंने जिस जहर से मारा था उसका एक कैप्सूल मेरे पास अब तक बचा हुआ है, जो तुम्हें मारने के लिए काफी है। कि तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे प्यार करते हो चेतन? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। तुम ही मुझे परेशान करती रहती थी। डिमेलो को हमारे बारे में पता चल गया था और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, जिसकी वजह से मुझे एक के बाद एक जुर्म करते रहना पड़ा। नहीं प्लीज नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। तुम नहीं मरोगी तो जिंदगी भर फांसी का फंदा मेरे सर पर लटका रहेगा। मेरे जुर्म की तुम एक ही गवाह बची हो, तुम मरना ही पड़ेगा। और फिर सिर्फ एक कैप्सूल और 30 सेकंड की ही तो बात है, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जान निकल गई। गोली मार दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आप मुझसे कैसे पूछे? तुम्हारी एक गलती की वजह से। गलती? कौन सी गलती? तुमने संदेश के नाम से पूना के स्वास्तिक ट्रेवल्स में अपने ऑफिस से एक फोन किया, जिसका रिकॉर्ड हमें टेलीफोन एक्सचेंज से मिल गया। बस उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया और नतीजा सामने है। और मैं सोचा था कि आप मेरी बातों में आ गए और मुझ पर भरोसा करने लग गए। पुलिस वाले किसी पर भरोसा नहीं करते मिस्टर चेतन। लेकिन अब आपको मेरी इस बात पर भरोसा करना पड़ेगा कि आप मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। कौन सा नया प्लान सोचा है तुमने? अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेरा प्लान बिल्कुल सीधा और असरदार है, जिसको अमल करने में सिर्फ 30 सेकंड। गलती। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। असल में वो आपको छोड़कर अकेले जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन वो मिस्टर जोसेफ से डरता था, इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक रचा। वो चारुलता और चेतन के संबंध में भी सब कुछ जानता था, इसलिए उसने चेतन को मजबूर किया उसकी मदद करने के लिए। हाँ, इस बात का शक था मुझे कि चेतन डिमेलो की इतनी मदद क्यों कर रहा है। जरूर किसी कारण उसका उसमें कुछ दबाव है। इंस्पेक्टर, वो इंश्योरेंस के पैसे चेतन ने विक्टर को दे दिए थे क्या? दिए तो थे, लेकिन वो और पैसे मांग रहा था, अपने पार्टनरशिप का आधा हिस्सा। तंग आकर चेतन ने प्लान बनाया। उस रात 10:30 बजे डिमेलो चेतन का इंतजार कर रहा था, लेकिन 30 लाख रुपए लेकर चेतन वहां पहुंचा ही नहीं। वो पूना गया नहीं, उसने बॉम्बे से ही फोन पर ट्रैवल एजेंसी में संदेश और चारुलता के नाम से
दो टिकटें कटवाई। और चारुलता ने शशिकांत को फोन करकर मेरी तरह हकलाकर बात करते हुए ये बताया कि चारुलता और विक्टर भाग रहे। आपकी हकलाने की वजह से मैं ये समझा कि ये काम आपका है। शशिकांत ने गुस्से में डिमेलो का खून कर दिया। चेतन की जुर्म की सिर्फ एक ही गवाह थी, चारुलता। उसे भी उसने इतनी सफाई से मारने की कोशिश की ताकि पुलिस ये समझे कि डिमेलो के गम में उसने आत्महत्या कर दी। बट क्राइम नेवर पेज। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।